दोस्तों हिमगार्ड आरओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक फ्रेंड ने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि सर हमने सुना है कि आरओ सारे मिनरल्स रिमूव कर देता है और पानी जो है वो डीमिनरलाइज हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। एक्चुअली हमें कहाँ आरओ सिस्टम लगाना चाहिए और कहाँ यूवी प्योरीफाई लगाना चाहिए और कहाँ लेटेस्ट मॉडल ऑफ आरओ लगाने चाहिए। सबसे पहले आप पानी का टीडीएस, पानी की नेचर चेक कीजिए, उसके बाद फिर आप वाटर फिल्टर सेलेक्ट कीजिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जो टीडीएस है पानी की जहाँ 500 से ऊपर है वहाँ आप आरओ लगवाइए। आरओ भी सिंपल आरओ नहीं, आरओ प्लस यूवी या फिर आरओ प्लस एल्कलाइन विद टीडीएस कंट्रोलर, क्योंकि हमें जो अपने पीने वाले पानी की टीडीएस रखनी है वो कम से कम 50 और 200 से नीचे रखनी है। आप 150 ppm तक रख सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार और प्योरिटी के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि सिंपल आरओ मिनरलाइज करता है पानी को या डीमिनरलाइज करता है। दोस्तों सिंपल आरओ में मेम्ब्रेन लगी होती है फाइनल में, उससे पहले सेडिमेंट, कार्बन, प्री फिल्टर लगे होते हैं, प्री ट्रीटमेंट होता है पानी का, उसके बाद मेम्ब्रेन को पानी जाता है जहां से 95-97% तक मिनरल्स कह लीजिए, साल्ट कह लीजिए, बैक्टीरिया कह लीजिए या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल कह लीजिए, वो मेम्ब्रेन के थ्रू निकाले जाते हैं। उसमें लेड भी होता है जो नुकसान करता है, मरकरी होता है और मिनरल्स के तौर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, इसी तरह के बहुत सारे और हैवी मेटल्स जो है मेम्ब्रेन रिमूव करती है। अब क्योंकि अगर टीडीएस बहुत लो है रॉ वाटर की, मान लो कि 500 है, तो रिजेक्शन रेशियो इसकी 95% है, तो सिर्फ 5% मिनरल्स रह जाएंगे और अगर 500 टीडीएस है तो टोटल 25 ppm इसकी आएगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने आरओ तो लगाना है लेकिन विद टीडीएस कंट्रोलर और एल्कलाइन लगाना है या फिर इसकी जगह आप आरओ प्लस यूवी प्लस टीडीएस कंट्रोलर लगा सकते हैं, जहां आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप अपने पानी की, पीने वाले पानी की टीडीएस 50 से लेकर 150 तक रख सकते हैं। तो आपकी ये नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप मिनरलाइज वाटर पी रहे हो या डीमिनरलाइज वाटर पी रहे हो। अगर पानी की टीडीएस मान लो कि 3000 है, उस केस में आपने सिंपल आरओ ही लगाया है, उस केस में क्योंकि 95% रिजेक्शन रेशियो होती है तो 150 के करीब वैसे ही टीडीएस आ जाएगी। आपको टीडीएस कंट्रोलर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एल्कलाइन या मिनरल कार्टेज भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फ़िल्टर लगाया है, क्या आपने सिंपल फ़िल्टर लगाया है, क्या आपने आरओ विद टीडीएस कंट्रोलर लगाया है या फिर विद आरओ विद एल्कलाइन लगाया है। तो सबसे पहले आप अपने पानी की टीडीएस जांचें, उसके बाद ही आरओ की सिलेक्शन करें, चयन करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड आरओ स्केल। वाटर फिल्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, बेधड़क होकर आप पूछिए, आपके टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। शुक्रिया।